उसकी सेवा की। बहुत निष्ठा के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत जतन के साथ वो लाला को रखती थी, सुलाती थी, खिलाती थी, इस तरह उसकी सेवा करती थी। तो एक दिन वो माता जी बहुत बीमार हो गई और उस दिन जन्माष्टमी का दिन था, तो उसने अपने बेटे बनवारी और अपनी बहू को बुलाया और कहा कि आज मेरे लाला का जन्मदिन है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आप लोग दोनों मिलकर भगवान का अभिषेक करो और उसको तैयार करो, लाला को तैयार करो। उसकी बहू थोड़ा चिढ़ गई, उनके पास टाइम नहीं था, फिर भी सासू माँ के कहने पर उसने कह दिया ठीक है। दोनों लग गए सेवा में भगवान की दे मन से, और जैसे ही भगवान के वस्त्र बदलने लगे, भगवान ने लीला की और उनके हाथ से भगवान जो है वो गिर गए, कान्हा जी की मूर्ति जो है वो गिर गई। जैसे ही मूर्ति गिरी, बहुत झटका लगा उस बूढ़ी माँ को जो दूसरे कक्ष में सो रही थी, और उठकर रोने लगी, क्या हुआ क्या हुआ। बेटे बहू ने समझाया, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी मूर्ति गिर गई थी, कोई बात नहीं, हमने उठा लिया, उसको कपड़े पहना दिए। बोले ये मामूली बात है, ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है, मेरे कान्हा जी गिर गए, मेरा लाला गिर गया, ऐसे कैसे हो सकता है। वो दौड़ती गई और लाला को उठाने लगी और कहने लगी, लाला को देखने लगी और कहने लगी, नहीं मेरे लाला को कुछ हो गया है, मेरे लाला को कुछ हो गया है। बेटे बहू ने बहुत समझाया, बहुत ये किया, वो जिद करने लगी कि नहीं ये ठीक नहीं है, तुम डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को ले आओ, डॉक्टर जब तक देखकर बोलेंगे नहीं तब तक मैं नहीं मानूंगी। अब बेटे बहू ने सोचा एक मूर्ति के लिए डॉक्टर को बुलाएंगे, सब हमें पागल समझेंगे। तो इस तरह से वो बहुत अपनी माँ को समझाने लगे, पर वो नहीं समझी। अड़ोसी पड़ोसी सब आ गए, सबने पूछा क्या हुआ, कहने लगे मेरी माँ पागल हो गई। तो इतना जिद करी थी, इतना रोए जा रही थी। किसी बुजुर्ग ने कहा, अरे क्या बात है बनवारी, तुम जाकर एक डॉक्टर को क्यों नहीं बुला कर लाते, इसका वहम दूर हो जाएगा। वो जाकर के डॉक्टर को बुला कर लेते हैं, और डॉक्टर आया, डॉक्टर को उसने समझा दिया क्या करना है, फीस दे दी, और डॉक्टर ने आके कान्हा जी के नर्व्स देखे, सर पर हाथ रखा और कहा, माई कुछ नहीं है, लाला को कुछ नहीं हुआ है, बस ये ठीक है। तो वो बूढ़ी चिढ़ गई, माई बोली कि अरे कैसे डॉक्टर हो तुम, इस तरह से कोई चेकअप करता है, अपना बॉक्सा खोलो, अपना पेटी खोलो जो लेकर आए हो, उसमें जो मशीन है, वो जो आला है जिससे तुम देखते हो, उससे चेकअप करो ठीक से मेरे लाला का। तो इस तरह से डॉक्टर ने को भी थोड़ा पागलपन लगा, फिर उसने सोचा अरे इसका वहम दूर करना है, उसने ब्रीफ केस खोला, आला निकाला और अपने कान में लगाया, और जैसे ही भगवान के सीने पर वो लगाया, उसे भगवान की धड़कन सुनाई दी। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, बार बार वो आला लगाता रहा और उसको धड़कन सुनाई देती, और इस तरह से वो एकदम पागल सा हो गया। वो माई के चरणों पर गिर गया और सबसे कहने लगा, उसके बेटे से कहने लगा, तुम्हारी माई पागल नहीं है, ये संसार ही पागल है, और मुझे बहुत, मेरे ऊपर कृपा हो गई, बहुत एहसान किया माई मुझे यहाँ बुलाकर, अब तो मैं जा रहा हूँ। उसने कहा माई से कि ये तो तुम्हारे कान्हा की लीला थी, बस तुम इसे एक बार गोद में उठा लो माई, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने चेकअप किया, इस तरह कहा, तो उसने उठा लिया और फिर डॉक्टर जाने लगा, अपनी फीस वीस वहीं छोड़ दी, बॉक्स भी वहीं छोड़ दिया, अपनी पेटी भी वहीं छोड़ दी। माई ने कहा अपना ये पेटी तो ले जाओ, उसने कहा अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं जा रहा हूँ वृंदावन, वहीं पर बाकी बचा जीवन भगवान की सेवा करूँगा। उससे साक्षात्कार हो गया भगवान की धड़कन सुनकर। तो इसी पर ये भजन पूरा आधारित है, अभी माता जी गाएंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भगत के वश में है।
भगवान भगत के वश में है भगवान भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है भगत है इसकी जान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में Go, Tato.